ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ 1260 ਪੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਟੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਕੀ ਦਊਂਗਾ ਜਵਾਬ? अरे भैया इधर यार गाड़ी पलट गई, इधर पंजाब के अंदर ही देखो एक पेटी नहीं छोड़ी चोर उठा के लेके सारे, एक पेटी नहीं गई एक गाड़ी में एक भी। मैं दवाई लेने चला गया, मेरे चोट लगी, एक भी पेटी नहीं है गाड़ी में, मेरे पास इतने लोग खड़े हैं। यार ये गांव वाले दसी यार भी है, पेटियां ही चुकियां दसी दसी यार। बहुत बुरा फील हुआ उस टाइम, मतलब जब वीडियो देख के फिर बहुत बुरा फील हुआ कि क्योंकि मतलब मैंने स्टडी भी यहीं पे की है पंजाब में, तो पंजाब का वो रूप देख के फिर मतलब दिल दुखी हुआ, मतलब ऐसा भी पंजाब में मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता। पंजाबी तो हमेशा मदद के लिए आते हैं, पंजाबी हमेशा मदद के लिए आते हैं, तो पंजाबी अभी मेरी गाड़ी लूट रहे, फिर मतलब दिल दुखी हुआ। अब आपका नुकसान की भरपाई हुई है, वो क्या कहना चाहोगे? बस थैंक यू कहना चाहते हैं बलविंदर ये गुरप्रीत जी का, और मतलब इन्होंने ये मैडम का कल हमारे कॉल आया तो बोले कि आप यहाँ पे आ जाओ, आपका जो नुकसान है वो हम उसका भरपाई करेंगे। कैसे लगते हैं पंजाबी आप? ठीक है, नहीं पंजाबी अगर वैसे लोग भी है तो ऐसे लोग भी है यहाँ पे। वैसे कैसे? मतलब जो जिन्होंने हमारी माल लूटा था सर, हमेशा पंजाब हमेशा मतलब मदद के लिए आता है, मतलब ये मुझे पता है क्योंकि 4-5 साल में यहाँ पंजाब में ये रहा हूँ, क्योंकि मतलब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो हमेशा पंजाबी आगे आते थे मदद के लिए। अब क्या कहना चाहते हो? अब यही कहना चाहते हैं कि कभी भी ऐसा वाका हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मौके पे पुलिस ने आपकी मदद की थी? जी जी, कॉल की थी आपने पुलिस को? जी जी जी। कितने टाइम बाद पुलिस आ गई थी? वो ड्राइवर को पता होगा सर, क्योंकि मैं कश्मीर में था तो गाड़ी का एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ। कहाँ पड़े आप बता रहे हैं? अभी कॉन्टिनेंटल कॉलेज में। सिलेंडर तो नहीं लीक हो गया कि गड्डी पे आग ना लग गई? आए जाते मुंडे पेटियां चुकन दे, आप रोक के आ गए, चाह पी के मगरे ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਂਦੇ, 10 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਗੇ ਚੱਲਦੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈਏ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਮਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਜਾਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਚੁਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕੀ ਗਨਾਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਗੱਡੀ 'ਚ 1260 ਪੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਟੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਕੀ ਦਊਂਗਾ ਜਵਾਬ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪੀ ਲੀ ਵੈਨ, ਬਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਪੇਟੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਇਨਸਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਬੂਤ ਕੀ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ? ਦੱਸ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਇੰਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਮਾਲ? ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਪੇਟੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ। ਦਵਾਈ ਹੁਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੈਲੋ, अरे भैया इधर यार गाड़ी पलट गई, इधर पंजाब के अंदर ही देखो एक पेटी नहीं छोड़ी चोर उठा के लेके सारे, एक पेटी नहीं गई एक गाड़ी में एक भी। और रोका क्या लड़कों ने वीडियो बनाई, एक भी पेटी नहीं छोड़ी गाड़ी में, एक भी पेटी। मैं दवाई लेने चला गया, मेरे चोट लगी, एक भी पेटी नहीं है गाड़ी में, मेरे पास इतने लोग खड़े है। यार ये गांव वाले दसी यार भी है, पेटियां ही चुकियां दसी दसी यार। ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਪੇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਆਏ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨੀ, ਜਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਗਾੜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਲੈ ਗਏ, ਲੋਕ ਉਠਾ ਕੇ ਇਤਨਾ ਪੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕੋ ਕਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਟੀ। पुलिस स्टेशन है, जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ। मीडिया वाले नंबर नहीं है क्या? मीडिया सर्च मार लिया, इधर थाना कि मेरा वीर तुम गवाह बनते ला जो मैंबर 12-13 लाख रुपए का।
हरमुंदी आ जाए अपना ही मर्जी यार भी दस क्या गल जो गल सारी आ गया।